आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। न मैं गिरा न मेरे हौसलों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई बार कई लोग बार बार गिरे, ये हम नहीं बल्कि आज कश्मीर चीख चीख के कह रहा है। 70 साल की आज़ादी के बाद कहा जा रहा है कि कश्मीर को दोबारा से आज़ाद कर दिया गया। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, शायद ये वही कांग्रेस है जिसने एक बड़े पैमाने पर भारत में सत्ता में काम किया। कांग्रेस भली भांति जानती है कि कश्मीर एक ऐसा मसला था जिसे अगर सुलझाया जाए तो कई लोग उलझ के रह जाएंगे। आज धारा 370 हटा दिया गया है, 35 से हटा दिया गया है, कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा, कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है। लेकिन क्या कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने से कश्मीर का भला हो या कश्मीरियों का, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में आग लग गई है और इस देश की राजनीति को सबसे अगर पैने नज़र से देखा जाए तो बिहार हॉट केक बन गया है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए का साथ छोड़ा था और महागठबंधन का कमान संभाला था, उसके बाद कहा जा रहा था कि मोदी लहर नाम की जो चीज़ है उसे नीतीश कुमार ही शांत कर सकते। अब नीतीश कुमार वापस से चर्चा में है। नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर एनडीए का साथ नहीं दिया, लेकिन जब मौका आया विपक्ष की भूमिका निभाने का तो वहाँ से वो बॉयकट कर गए। ऐसे में अब लगातार चर्चाएं हो रही है कि बिहार का भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा, कश्मीर का भविष्य क्या होगा। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ बिहार के एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा। चर्चा खास है, बड़ी है, तो सबसे पहला सवाल यही लेते हैं कि क्यों कश्मीर के मुद्दे को कांग्रेस ने हाथ नहीं लगाया था। नहीं, आज हम पंचनामा करने आए हैं और इस मुद्दे पे हमने पंचनामा पहले भी किया 370 के मुद्दे पर, मगर 370 के बिहार के संदर्भ पर, 370A बिहार चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे, मैं तो ये कहूँगा कि अगर भाजपा को देखा जाए तो यह अकेली पार्टी है जो 370 पर डिवाइडेड नहीं है, अन्यथा इस देश की सारी पार्टियां 370 पर डिवाइड हो गई हैं। मायावती सपोर्ट में है, ममता अगेंस्ट में है, कांग्रेस के आधे लोग सपोर्ट में है, कांग्रेस के आधे लोग विरोध में है। भाजपा के अलावा मुझे लगता है कि जदयू, जो कि एनडीए के एक बड़े से हिस्सा है, वो विरोध में है। जदयू विरोध में है मगर सांकेतिक विरोध में है, जदयू ने अगेंस्ट में वोटिंग नहीं की है। हालांकि मैं बता दूं आपको, यहाँ से यहीं से शुरुआत होगी इस पूरे पंचनामे की। जदयू के नेता हैं बलियावी, हम लगातार से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकम्युनिकेडो हो गए हैं। हालांकि बयान तो दे दिया था 2 दिन पहले उन्होंने, बयान में उन्होंने कहा था कि ना अमित शाह में, ना प्रधानमंत्री में, ना किसी भी सियासतदान में ये ताकत है, ये कुवत है कि वो कश्मीर को अलग कर दे भारत से। अलग किया भी नहीं जा रहा है, ये बातें अतिशयोक्ति में जो बोली जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये वो सेंटिमेंट दर्शाती हैं जिस सेंटिमेंट की बात अमित शाह लगातार लोकसभा और राज्यसभा में कर रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि अलगाव से अलगाव नहीं, अलगाव को अलग नहीं किया जा सकता है, नफरतों को नफरतों से काटा नहीं जा सकता है। प्रयास है 370 हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर, कश्मीर को इनकॉर्पोरेट करके भारत की राजनीति में और भारत के विकास में एक साथ एक कदम बढ़ाकर आगे चलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर भारत में किसी भी जगह पर कोई कानून लागू होता है तो अब कश्मीर में भी लागू होता है, अगर भारत में रिजर्वेशन है तो कश्मीर में भी है, अगर भारत में ट्रिपल तलाक बंद है तो कश्मीर में भी बंद है, अगर भारत में किसी की हत्या करना आरोप है और उस पर फांसी हो सकती है तो कश्मीर में भी होगी। अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है। मगर बलियावी जी ने इस तरह से बयान दिया है कि इससे स्थिति बिगड़ेगी, आज़ादी दिलाने वालों की आत्मा दुखी होगी, ये गलत हुआ है और कल लोग खड़े होंगे इसके अगेंस्ट में और वो फिर आगे चल के विरोध करेंगे और यही विरोध अलगाववाद में परिवर्तित होता है। परिस्थितियां कश्मीर में पहले से ही खराब थी, अब वो और ख़राब नहीं हो सकती हैं, और ख़राब होने का मतलब है कि पाकिस्तान हथिया ले कश्मीर को और वो होने नहीं दिया जाएगा, वो ना तो कांग्रेस होने दे देगी ना इस देश में व्याप्त कोई भी सरकार। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अलग बातें हैं और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स और जो विदेशी आक्रमण और उसके खिलाफ जो लड़ाई देना, वो इस देश का हर नागरिक करता है, हर कोई जयचंद नहीं होता है। जयचंद इन करोड़ों लोगों में, अरबों लोगों में एक था और वो मुझे लगता है कि अब होगा ऐसा कुछ। हालांकि हम बात करना चाहेंगे कि बलियावी ने यह बयान तो दे दिया,
जदयू की भावना व्यक्त की। जदयू लगातार बोल रही थी, केसी त्यागी, पवन वर्मा सभी ने कहा कि हम, यहाँ तक आरसीपी वर्मा ने, आरसीपी सिंह ने भी लगातार ये बातें कही। और ललन सिंह जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल संसद में सामने उन्होंने कहा कि हम इस पे विरोध करते हैं, हमारी मंशा अलग है इनसे और इनकी मंशा पर हमें शक हो रहा है इस पर्टिकुलर बात पर। ये ठीक है, सांकेतिक विरोध उन्होंने कर दिया, मगर बलियावन जिस तरह से बयान दिया है और आज खबर आ रही है कि उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, आरसीपी सिंह ने बहुत कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की और कहा है कि आप अपनी राय अपने पास रखिए, हम पार्टी का स्टैंड नीतीश कुमार से बात करके ही देंगे और जो भी प्रवक्ता के माध्यम से पार्टी अपनी बात पब्लिक डोमेन में रखेगी, आप प्रवक्ता नहीं है पार्टी के तो आप मत बोलिए। हो सकता है कि अब इन पे गाज गिरना शुरू हो जाए। आपको बता दें कि अजय आलोक पर पहले ही गाज गिर चुकी है कई लोगों का पत्र प्रवक्ता नाम से प्रवक्ता से कट चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में बलियावी के लिए जो अभी स्टैंड है जदयू का, ये साफ साबित करता है कि नीतीश कुमार हैज़ गिवन इन टू द डिमांड्स ऑफ बीजेपी। हालांकि वो डायरेक्टली उस बात को नहीं मान सकते हैं, ट्रिपल तलाक पर वॉकआउट कर गए, इस पर वॉकआउट को फायदा हो रहा है बीजेपी को, आप भी समझ रहे हैं, आप तो देश की जनता भी समझ रही है, बिहार की जनता भी समझ रही है। बिहार के परिदृश्य में जदयू की जो भाजपा और एनडीए के प्रति जो भी उनकी भावनाएं हैं वो सामने आ गई हैं। कश्मीर को लेकर उनका स्टैंड था वो बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि अगर आप तटस्थ रह गए, आपको अगर कुछ बोलना था तो आप खुल के बोलते जी। आप विरोध में वोट करते, मगर आपने बस सांकेतिक विरोध किया है। एंड मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर अब जदयू का कोई स्टैंड होना भी नहीं चाहिए और इस पर जो लोगों को केयर भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राजद पे सबकी निगाहें टिकी हुई, कल भी हम पहुंचे थे राजद कार्यालय में, हमने देखा कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, हम अंदर घुस घुस के हमने के कमरों को देखा, वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं कुर्सियाँ खाली हैं, लोग अंदर में बैठे हुए, तो वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं और कौन सा सदस्यता अभियान की मुंगेरी डाल के हसीन सपने, 1 करोड़ कार्यकर्ता बनाएंगे, 1 करोड़ कार्यकर्ता बिहार से बनाएंगे, अपनी पार्टी बचा नहीं पा रहे हैं नेता, अरे पार्टी छोड़िए, मैं कहूंगा कि लीडरशिप बचाइए आप जी। आपके पास लीडर कहाँ है, लालू जेल में है, मीसा भारती पर केस चल रहा है, तेज प्रताप यादव अलूप चल रहे हैं, तेजस्वी गुमशुदा है, राबड़ी देवी की भी तबीयत खराब चल रही है, अरे नेता बनाइए ना आप, छोड़िए कार्यकर्ता बनाना, पहले आप नेता बनाइए। खैर ये उनकी बात है, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। रघुवंश बाबू ने हालांकि चुप्पी तोड़ दी है, बड़ा बयान दिया है कि बहुमत का गलत फायदा उठा रही है भाजपा, ये बड़ी बात है, एंड दिस शुड हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम तेजस्वी यादव, नॉट रघुवंश प्रसाद। रघुवंश प्रसाद जी को अंततः बोलना पड़ा, अपनी पार्टी को अपने आँख के सामने, जिस पार्टी को दूध पिलाकर, पानी पिलाकर, खून पिलाकर बड़ा किया, उस पार्टी को टूटता हुआ, बिखरता हुआ और खत्म होता हुआ देखकर बुरा लग रहा है उन्हें। उनके पास भी ऑप्शन खुले हैं, उन पर भी नीतीश कुमार डोरे डाल रहे हैं, मगर ये अंतिम जो कहा सकता है वाक्य हो सकता है रघुवंश बाबू का। उन्होंने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को घेरा है, अमित शाह को घेरा है, नरेंद्र मोदी को घेरा है और घेरते हुए कहा है कि आपने कश्मीरियत को आज मार दिया है, कश्मीर के लोगों से आपने बात नहीं करना जायज समझा, आपने तिब्बत को कश्मीर से अलग कर दिया। आप सोचिए कि जब भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था तो भारत को कितना बुरा लगा था, तो आज वैसा ही लग रहा होगा कश्मीर को भी। हालांकि इनकी बातों का अपना इनका स्टैंड है, इस मुद्दे पर चर्चा करना बेमानी हो जाता है। रघुवंश बाबू ने विरोध जबरदस्त किया है, इन्होंने कई मुद्दों पर कहा जा सकता है सीधे तौर पर अमित शाह पर आरोप लगा कि अमित शाह एक तरह से बुलडोज कर रहे हैं, एक तरह से अपनी बातें जबरदस्ती मनवाने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो ये इनका स्टैंड रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस पर चर्चा हम करना चाहेंगे बिहार के एक राजनीतिक परिवार का। आप सोचेंगे लालू परिवार की हम बात करेंगे, लालू परिवार की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी बात करना चाहेंगे पप्पू यादव और पप्पू यादव जी की पत्नी का। आपको पता है कि जैसे ही राज्यसभा में ये बिल पास हुआ, तुरंत पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था, पागल हो गए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने विरोध, मतलब इन लोगों ने एक ऐसा मतलब परिस्थिति क्रिएट कर दिया है कि देश की जनता कुछ बोल ही नहीं पा रही है, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं, नज़रबंद कर दिया गया है नेताओं को, जो नेता अब तक रिप्रेजेंट करते थे कश्मीर को और कश्मीरियत को, तो कहीं ना कहीं ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से लोगों का इन संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस पे, संविधान पे, संसद पे भरोसा हट जाएगा जनप्रतिनिधियों पर। मगर अब इन्हीं की वाइफ है और वो कह रही हैं कि बस विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, समझने का जरूरत है इस पूरे इस बयान को समझिए।
वो कह रही हैं कि बस विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए और विपक्ष का काम बस विरोध करना नहीं होना चाहिए। राष्ट्रहित के मुद्दे पर जब अगर बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, उससे देश को फायदा है, उससे देश से अगर कह सकता है कि अलगाववाद अलग हो रहा है, तो आपको उसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये घर में मतभेद दिख रहा है, पप्पू यादव और उनकी पत्नी के अलग अलग स्टैंड दिख रहा है इस मुद्दे पर। हालांकि मैं फिर वही बात कहूंगा, इस मुद्दे पर जदयू भी अलग अलग स्टैंड लेके चल रहा है, जदयू कंफ्यूजन के स्टेट में है और रघुवंश बाबू अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने विरोधी दल का भूमिका निभाई। जी, आरजेडी की तरफ से अभी तक बात हुई, हालांकि सदन में जरूर मनोज झा ने अपनी बात रखी थी, मगर आपको पता होगा कल हम जब बात कर रहे थे राजद कार्यालय में किसी बड़े नेता से जो कि संगठन में बैठे हुए थे अंदर में, उन्होंने एक बात कही कि आपने मनोज जी का भाषण नहीं सुना। मैंने कहा मैंने सुना, मगर पिछली बार भी उन्होंने झुंझुना बजाया था और आपकी पार्टी में उसको लेकर डिवाइड था। तेज प्रताप चाहते थे कि सवर्ण आरक्षण का स्वागत किया जाए और रघुवंश चाहते स्वागत किया जाए, तेजस्वी बस चाहते थे नहीं स्वागत किया, और आप लास्ट में तेजस्वी यादव भी जब चुनाव हारते तो कहते हैं कि हमसे त्रुटि हुई, हमें इस पर रिकंसिडर करना चाहिए पार्टी को। भाई आप पहले तय कर लीजिए कि आप विरोध में हैं या आपकी सपोर्ट में है। और कल भी मैं बता दूं आपको, जब पहले शख्स जब पंचायत अध्यक्ष जो थे जिन जो कि हमें मिल गए अचानक, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बधाई दे दिया साफ तौर पे, उन्होंने बधाई दिया भाजपा को और कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर ये बहुत बड़ा डिसीजन है, भाजपा को बधाई, अमित शाह को बधाई। और जब हमने उनसे पूछा कि आप विरोध करना चाहिए था पुनः, तो बोला कि विरोध इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। ये आपके लोग कह रहे हैं, ये आरजेडी के लोग कह रहे हैं। अब रघुवंश बाबू ने इस बात पर जरूर आइस ब्रेकर का काम किया, उन्होंने तोड़ दिया चुप्पी को, मगर मैं फिर भी कहूंगा लालू यादव के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए कोई ट्वीट नहीं है, तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर जाइए कोई ट्वीट नहीं है। यहाँ तक कि तेज प्रताप जो कि क्षणिक है, क्षणभंगुर है, बहुत सारी बातें करते हैं बिना सिर पैर की, वो भी चुप है। जी बिल्कुल, या तो इस गंभीर मुद्दे पर राजद के पास अनुभव नहीं है बोलने का, या फिर राजद पिछली बार जिस तरह से दूध पीते पीते जली थी, इस बार छाछ पीने में भी डर लग रहा है। और ये लगभग लबोलबाब है बिहार की राजनीति का। भाजपा के कई नेता मुखर होकर बोल चुके हैं कि हम जदयू के साथ बिहार में रहेंगे। जदयू ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा आपको कि अमित शाह जिस तरह से अमित शाह को का सपोर्ट सदन में किया था आपने, YSR ने, और उसके बाद BSP ने किया है, और इन सभी पार्टियों का सपोर्ट करने की वजह से मैं बता दूं आपको, अमित शाह बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और उन्हें बुरा तब लग रहा है कि जब उन्हीं के घटक दल उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गठबंधन धन का पालन करना, अंत में भी रिकंसिडर कर सकती थी JDU, मगर ठीक है, JDU अपना बीच का रास्ता निकाले, नीतीश कुमार कितने हठधर्मी हैं वो तो पता ही है सबको, और इस वजह से बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बिखराव होगा। अंदरूनी सूत्रों से अभी हमारे साथ जब बैठे हुए थे, जब हम बात कर रहे थे अंदरूनी सूत्रों से, और जब बैठे हुए थे हमारे साथ भाजपा के कई नेता जिनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, और ये लगातार ये बात कह रहे थे कि नीतीश जी का कुछ दवाई बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल, समय आने दीजिए तो इसका नीतीश जी की नीतीश जी का जो बीमारी है उसका इलाज करने की तैयारी चल रही है। और आपको पता ही है कि जैसे ही वहाँ हर्ष में लोग गए थे खुशी मनाने के लिए कारगिल चौक पर, तो नीतीश की लाठी चली उन कार्यकर्ताओं पर जो जश्न मना पीटने गए थे। और नीतीश जी के एक और बड़े करीबी नेताओं में से हैं श्याम रजक जी, जिनको मंत्री बनाया गया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आज काला दिवस है, आज लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ये काम विपक्ष का है, ये आपका नहीं है, आप गठबंधन तोड़ दीजिए। सीधी सी बात, जनता की तरफ से हम बोल रहे हैं, हम एक पत्रकार के नाते बोल रहे हैं, आप गठबंधन तोड़ दीजिए। आप ये परिस्थिति क्यों ला रहे हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंशी भी निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा? ये तो आप खुद ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आप खुद भ्रम के संशय की स्थिति में जा रहे हैं, और बिहार के लगभग सभी पार्टियां संशय की स्थिति में हैं। कांग्रेस से हमने बात की, आपको याद होगा कांग्रेस जो कि राजेश राठौर खुल के बोलते हैं, हर मुद्दे पर अकड़ के बोलते हैं, उनकी अकड़ ढीली पड़ गई थी कल। जी, हमारे सवालों का उनके पास जवाब नहीं था, गोल गोल जवाब दे रहे थे, और ये साबित करता है कि उनके कान पर भी ऐठा हुआ है शीर्ष नेतृत्व ने। तो सीधी सी बात है, बिहार के नेताओं के पास कश्मीर के मुद्दे पर या तो सारगर्भित अनुभव नहीं है, या फिर इन्हें डर लग रहा है कि इस मुद्दे को छेड़ेंगे तो फिर जनता छोड़ेगी नहीं। जी बिल्कुल, तो लॉलीपॉप कहा गया था सदन में 10% आरक्षण को, 3 तलाक बिल भी पास हो गया, इस पर भी कई राजनीतिक पार्टियां दोफार दिखी, जहां कुछ वरिष्ठ नेता जो अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने 3 तलाक को सराहा था।
लेकिन जो लगातार राजनीति कर रहे हैं वो विपक्ष में खड़े हो गए थे। ऐसे में अब जब 370 35 से धारा को समाप्त कर दिया गया कश्मीर में, तो कुछ सीनियर लीडर, वो चाहे कांग्रेस के हों या फिर जेडीयू के हों, जिन्होंने लंबे समय से राजनीति देखी है, उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35 ए का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक तूल इसको दिया जाए और जब कुर्सी की बात आए तो अपने ही लोग इस पर डिवाइड हो गए हैं। जैसा कि हमारे सर ने कहा कि जब आपको विरोध करना है तो खुल के कीजिए, गठबंधन तोड़ दीजिए। भाजपा के नेताओं का मानना है कि नीतीश की दवाई जल्द दी जाएगी, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि डिवाइड एंड रूल के तहत अब कौन किसको दवाई देता है और कौन सबसे पहले गठबंधन तोड़ता है। कैसा लगा हमारा पंचनामा, ये आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।